तो आज जानेंगे चिन्ह कैसे लगाया जाता है, यानी प्लस और माइनस का चिन्ह कब लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो पहला नियम है, प्लस और प्लस अगर दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस होता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला इसमें सवाल रहे कि प्लस 8 और फिर प्लस और फिर प्लस 3, इसको हल करते हैं तो प्लस 8 और प्लस और प्लस प्लस ही होता है 3। फिर उसके बाद यानी 8 और 3, यानी प्लस और प्लस जोड़ते हैं तो 8 और 3 11, यानी प्लस 11। और जो संख्याएं धनात्मक होती है तो उसके आगे प्लस नहीं लिखा जाता है, यानी ये खुद प्लस में है, प्लस छिपा रहता है। तो यह पहला आंसर। उसी तरह से दूसरे नियम अनुसार अगर माइनस और माइनस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा माइनस ही आता है। जैसे इसमें अगर सवाल रहे कि -3 और फिर धन -5, अब इसको हल करते हैं तो -3 प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, यानी प्लस और माइनस माइनस, यानी -5। तो यह फिर माइनस और माइनस प्लस, तो 5 और 3 8 है। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन इसमें देखते हैं कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है और 5 के आगे माइनस है तो माइनस लगाते हैं, यानी जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं, तो -8 है। तो तीसरा इसमें है, प्लस और माइनस को जोड़ते हैं तो प्लस और माइनस को जोड़ते हैं तो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। कैसे? तो इसमें जो है तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि +4 और फिर प्लस और फिर ब्रैकेट में -3, क्या होगा? तो इसको हल करते हैं तो 4 प्लस है तो इसके आगे प्लस नहीं लिखा जाता है, छिपा रहता है, और प्लस और माइनस माइनस, तो -3 बराबर, तो 4 में से 3 जाए, यानी प्लस और माइनस माइनस होता है तो 4 में से 3 जाए 1। अब इसमें बड़ा कौन है? तो यहाँ पर एक नियम होता है, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। तो इसमें 4 है, 4 के आगे प्लस है तो प्लस, और प्लस को यह प्लस में है, इसके आगे प्लस छिपा रहता है। फिर अगला कि माइनस और प्लस दोनों को जोड़ते हैं तो ये भी या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। जैसे इसमें अगर -4 और फिर अगला जो है इसमें -4 ले लेते हैं और फिर धन यानी प्लस में 2 ले लेते हैं, तो अब इसको हल करेंगे तो -4 प्लस और प्लस यानी प्लस ही होता है, +2। अब फिर माइनस और प्लस घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो 4 में से 2 जाए 2। अब बड़ा कौन है? तो बड़ा 4 है, यानी जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। अब इसके आगे माइनस है तो माइनस है।